सिर कटा भूत। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत बढ़ चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो वह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था, ये कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू किया। करीब 2 फीट खोदने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस ज़मीन को खोदना शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। मयंक बोला, एक लोटा खून? पर मैं एक लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहाँ उसने एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मार कर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पे डाल दे। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर से जुड़ गया। ये सब देखकर मयंक की हालत अब ख़राब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया।
अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही वो भूत मयंक को खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।